नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल टेस्टी व्यंजन में। ये वीडियो एकदम ही अलग वीडियो है इस चैनल पे और मैं इसके लिए एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगी किचन टिप्स नाम से। तो जो लोग भी किचन में खाना बनाते टाइम और साफ सफाई करते टाइम जिनको भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, जो कि ऑलमोस्ट बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, तो वही ध्यान रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। और ये वीडियो बहुत ही कारीगर और इंटरेस्टिंग होगा, तो ये वीडियो ज़रूर पूरा देखें आप लोग। ऐसे मैंने 11 हैक्स आप लोगों के लिए बताए हैं इस वीडियो में, जो कि क्लीनिंग और कुकिंग करते टाइम जो दिक्कतें आती हैं वो ना आए। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखें, बहुत ही मेहनत लगी है, बहुत एफर्ट लगा है मेरा। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे रुको, वीडियो शुरू करने से पहले तो जो लोग भी मेरे ये चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँ आपको सबसे पहले मिल सके। और ये वीडियो देखने के बाद आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे, मुझे पता है। और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि अंत तक देखने पे आप लोगों को 2 बोनस ऐसे मैं किचन टिप्स और बताने वाली हूँ, जो आप लोगों के लिए और हेल्प कर देगा आपके जितने भी किचन में दिक्कतें आती हैं या साफ़ सफाई करते टाइम दिक्कतें आती हैं। तो चलिए अब ज़्यादा देर नहीं करते, शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो जो पहला किचन टिप्स है वो ये है कि कभी ना कभी हम सभी के घरों में जो हम रोटी बनाते हैं उसका आटा कभी ना कभी हम सभी के घर में बच जाता है, तो उसे फेंके नहीं, उसे एक काम करें, आप एक कटोरी में या ऐसे कंटेनर में रखें जिसमें ढका रहे, आटा एयर के कांटेक्ट में ना आए, और उसे ढक के रख दीजिए। और जैसे ही जब भी यूज़ करना हो उसे निकाल के आप यूज़ कर सकते हैं, पर इसे बहुत लंबे समय तक मत रखें, नहीं तो ये काला हो जाएगा और ख़राब भी हो जाता है और ये हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है। तो इसीलिए अगर आपको एक टाइम से दूसरे टाइम में यूज़ करना है ये आटा, तो आप ऐसे ढक के रख सकते हैं, काला नहीं पड़ता और बहुत ही अच्छा किचन टिप्स है। और फिर जब आप आटा निकाल के आप रोटी बनाएंगे इसका, तो ये एकदम वैसे ही रोटी बनेंगी, फुली फुली रोटी बनेंगी, एकदम ताजे जैसे ही रोटी बनेंगी, कोई भी बासी वाला फ्लेवर नहीं आने वाला है इसमें। तो जो सेकंड किचन टिप्स है वो ये है कि हमारे घरों में हम राजमा, काबुली चना, देसी चना और जितने भी पल्सेस होते हैं अगर उसका स्टॉक रख लेते हैं, तो कुछ दिनों के बाद उसमें घुन पड़ने लगती हैं, कीड़े लगने लगते हैं, तो उसे बचने के लिए हम इसे फ्रिज में रख सकते हैं और इसमें एक भी घुन नहीं पड़ेंगे। आप ये वाला जो है कि वो ज़रूर ट्राई करके देखें। तो मैं जो तीसरा आप लोगों को किचन टिप्स बताने वाली हूँ वो ये है कि आप कोई से भी भाजी या साग या फिर धनिया पत्ती उसे हरा ही रखने के लिए, क्योंकि क्या होता है हम जब भी मार्केट से ये लेके आते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम तुरंत इसे यूज़ कर लें, तो कई बार इसे रखना भी पड़ जाता है। तो क्या कर सकते हैं, हम इसको अच्छे से साफ़ करके एक न्यूज़पेपर में अच्छे से लपेट के फ्रिज में रख सकते हैं, और जब यूज़ करना हो तो उसे निकाल के न्यूज़पेपर से कट करके उसके बाद उसका यूज़ कर सकते हैं। काट के कभी भी न्यूज़पेपर में ना रखें, नहीं तो वो काला पड़ जाएगा और फ्रेश नहीं रहेगा। और ये देखिए कितना फ्रेश है, इसे मैंने साफ़ करके रख दिया था और दूसरे दिन बनाया था और एकदम ये ताज़ा ही दिख रहा है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले किचन टिप्स पे। तो अक्सर जब भी हम ग्रेवी वाली सब्जी बनाते हैं तो कभी गाढ़ी हो जाती, कभी पानी सा हो जाता है, मतलब रस इसका ज़्यादा हो जाता है सब्जी में, तो जो लिक्विड ज़्यादा हो जाता है किसी भी ग्रेवी की सब्जी में, तो उसे कम करने के लिए अगर बॉइल्ड आलू डाले हैं या अगर कुकर में आप कच्चा आलू डाल के बनाए हैं सब्जी, तो आलू फोड़ दीजिए। अगर अच्छे से मैश कर देंगे आलू तो सब्जी ऑटोमेटिकली गाढ़ी हो जाएगी और सब्जी का टेस्ट भी वैसा ही रहेगा और जो सब्जी का ग्रेवी वो अच्छी कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले किचन टिप्स पे। तो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कुकिंग करती हूँ, तो मैं जो धनिया और नींबू और जो मैं स्टोर करके रख सकती हूँ फ्रिज में, मैं वो सब सब्जी इकट्ठे ही खरीद लेती हूँ, मैं बार बार नहीं खरीदती। तो ऐसे ही मैं नींबू कैसे स्टोर करती हूँ आप लोगों को बता देती हूँ। अगर आप लोगों के घर भी नींबू का स्टॉक ज़्यादा हो तो आप ऐसे या तो एक ही न्यूज़पेपर पे फोल्ड करके फ्रिज में रख दीजिए, जहाँ पर हम सब्जी रखते हैं वहाँ पर रखिएगा, और आप चाहें तो अलग अलग भी न्यूज़पेपर में एक एक नींबू करके फोल्ड करके आप रख सकते हैं। तो मैं इसे आप ध्यान दीजिए कि इसे जो सब्जी और फ्रूट वाला सेक्शन होता है फ्रिज में उसी में रखें, और जब भी यूज़ करना हो तो उसे वापस से आप न्यूज़पेपर से निकाल के आप यूज़ कर सकते हो। और देखिए कितना फ्रेश है, इसमें बिल्कुल भी कोई भी कालापन नहीं लग रहा है, एकदम लग रहा है कि ये आज ही हमने मार्केट से बाज़ार से लेके आया है। तो ये मैं इसे ऐसे ही स्टोर करती हूँ, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें अगर अभी तक ये वाला। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट किचन टिप्स की तरफ। तो यहाँ पे है पनीर। तो मेरे साथ हमेशा ये होता ही है कि जब भी मैं पनीर मंगवाती हूँ
तो पनीर का यूज़ मैं उस दिन नहीं कर पाती कोई ना कोई बिजी स्केड्यूल की वजह से, तो मुझे वो दूसरे दिन यूज़ करना होता है। तो दूसरे दिन उसे वापस से फ्रेश बनाने के लिए मैं क्या करती हूँ, एक बर्तन में पानी ले लेती हूँ और उसमें डाल देती हूँ पनीर और उसमें डाल देती हूँ पानी, पानी उतना डालें जितना पनीर पूरा कवर हो सके, और उसे अच्छे से 2-3 बॉईल आने देती हूँ। अगर आप ये स्टील के बर्तन में करें तो थोड़ा ध्यान दें नीचे से जले ना पनीर, और इसे अच्छे से 2-3 बॉईल हो जाने के बाद इसका जो गर्म पानी है निकाल दीजिए, और ये देखिए कितना सॉफ्ट पनीर हो चुका है, एकदम फ्रेश पनीर लग रहा है ये, और इसका टेस्ट भी फ्रेश ही रहता है। आप लोग ज़रूर ट्राई करें वाला हैक। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट किचन टिप्स की तरफ। तो बहुत ज़्यादा जार का उपयोग करने से जो जार का ब्लेड होता है वो बहुत ही ज़्यादा नुकीला नहीं रह जाता है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे बीच बीच में हर महीने इन्फेक्ट करती हूँ ये चीज़। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें जो कभी नहीं किए हैं। तो जो मिक्सी का जार होता है, कोई सा भी जार, मिक्सी का कोई सा भी जार का अगर ब्लेड आपको शार्प करना है तो उसमें आप नमक डाल के पीस दीजिए 10-20 सेकेंड के लिए, और वापस से वो नमक को आप यूज़ कर सकते हैं बाकी कुकिंग रेसिपीज़ में। और जो यहाँ पे मिक्सी जार है उसका भी ब्लेड अच्छे से शार्प हो चुका है। वैसे मैं आप लोगों को बीच बीच में जो इंग्रेडिएंट अगर यूज़ कर रही हूँ तो उसके रिप्लेस में आप कौन सा इंग्रेडिएंट यूज़ कर सकते हैं जो आपके घर में हमेशा अवेलेबल होता है, मैं वो ट्राई करूँगी कि वही बताऊँ आप लोगों को। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट किचन टिप्स पे। तो इसमें मैं बना रही हूँ एक सॉल्यूशन, मैं भी आप लोगों को बताऊँगी कि क्यों बना रही हूँ ये सॉल्यूशन। तो मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 कप डेटॉल, आपको जितना रिक्वायरमेंट हो आप उतना ले सकते हैं। और अब इसमें मैं डाल दूँगी बेकिंग सोडा, जिसे मीठा सोडा भी कहते हैं, जो हमारे कुकिंग में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो वो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 चम्मच, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और ये देखिए कितना बढ़िया रिएक्ट किया है, और क्योंकि ये गाढ़ा है तो अब मैं इसमें डाल दूंगी पानी। पानी मैंने जितना डेटॉल लिया उसका 1/2 ही डालूंगी ताकि थोड़ा डाइल्यूट फॉर्म में रह सके और मैं इसका यूज़ अच्छे से कर सकूँ। तो ये बन चुका है हमारा एक सॉल्यूशन जो बहुत सारी चीज़ों के लिए काम आएगा। तो अब मैं इसे एक बॉटल में, स्प्रे वाले बॉटल में मैं भर लूँगी। इसे अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, स्प्रे बॉटल आपके पास जो भी स्प्रे बॉटल खाली हो उसे धो लीजिए अच्छे से, सुखा लीजिए और इसमें ये वाला सॉल्यूशन डाल दीजिए। मेरे पास ये सीरम का, हेयर सीरम का वो रखा हुआ था एक स्प्रे बॉटल, तो मैं उसी में फिल कर रही हूँ, और बाकी एक बड़े से स्प्रे बॉटल में मैं भर के रख दूँगी। और इसे मैं 1 महीने तक के लिए बना के रखी हूँ और यूज़ करूँगी। तो अब हमें इसे क्या करना है, स्प्रे बॉटल का जब भी यूज़ करें, ये वाले सॉल्यूशन का जब भी यूज़ करना हो तो उसे अच्छे से एक बार शेक कर लीजिए बॉटल, और उसके बाद स्प्रे कर दीजिए और अच्छे से वो जगह पोंछ दीजिए। आपके यहाँ अगर मक्खी की प्रॉब्लम आ रही है कि हर जगह आपको मक्खी दिखती है, भग नहीं रही है, आप बहुत कुछ ट्राई कर चुके हैं अगरबत्ती जला के या बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिससे मक्खी भगाने के, तो अगर उससे नहीं भाग रहे तो ये वाला आप ज़रूर सॉल्यूशन ट्राई करें, मक्खी बहुत हद तक कम हो जाती हैं। तो ये सॉल्यूशन इसके लिए था। और किचन में या बाहर भी आप सफाई भी कर रहे हैं तो ये वाला सॉल्यूशन डाल के आप क्लीनिंग भी करेंगे तो बहुत अच्छी सफाई होगी और कोई भी जर्म्स नहीं रह जाएंगे। तो बढ़ते हैं अब नए किचन टिप्स पे। तो अभी जो नया हैक मैं आप लोगों को बता रही हूँ वो, आप कभी भी जब पराठा बनाते हैं या तेल की कोई भी चीज़ तवे पे बनाते हैं या आप पे पैन में बनाते हैं तो क्या होता है, साइड साइड में ऑयल कलेक्ट हो जाता है जो कि नॉर्मल डिश वॉश से नहीं साफ होता है, आप कितना भी घिस लीजिए नहीं साफ होता है। तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक सॉल्यूशन बता रही हूँ, वो बनाना है और जैसा मैं वीडियो में दिखा रही हूँ वैसे यूज़ करना है, कई हद तक कि आपका जो ऑयल कलेक्ट हुआ है आपके तावे पे, आपके पैन पे, तो वो हट जाएगा, क्योंकि मेरे तावे में ऐसा कुछ भी ऑयल कलेक्ट नहीं हुआ था। तो जो मेरा अप्पे का पैन था वो काफ़ी ज़्यादा ऑयल कलेक्ट हो गया था और काफ़ी ख़राब हो गया था, तो मुझे इसे साफ़ करना था। तो मैंने इसके लिए जो सॉल्यूशन बनाया है मैं वो आप लोगों को बता देती हूँ। मैंने ले लिया है 1 चम्मच बेकिंग सोडा, हाँ वही खाने का मीठा सोडा, और उसमें मैं डाल दूंगी 2 बड़े चम्मच विनेगर। और मैं आप लोगों को इसमें ऐसे टिप्स बताऊंगी जिसमें अगर आपके पास वो इंग्रेडिएंट नहीं भी हो तो उसके रिप्लेस में और कौन सा इंग्रेडिएंट यूज़ कर सकते हैं वो भी बताऊंगी, वो डेफिनेटली आपके घर में होगा। अगर जैसे इसमें विनेगर, हर किसी के घर में अगर विनेगर नहीं होता है, तो अगर विनेगर नहीं है आपके पास तो आप इसमें नींबू भी डाल सकते हैं, नींबू तो सभी यूज़ करते हैं तो नींबू ज़रूर ही रहता ही है सभी के घरों में, तो आप विनेगर की जगह नींबू भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी ऐसे ही काम करेगा। तो अब मैंने क्या किया है, ये आपे के पैन में अच्छे से इस सॉल्यूशन को डाल के हमें रख देना है थोड़ी देर के लिए। अगर तुरंत ही साफ करना है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, घिसने में मेहनत ज़्यादा है, और अगर थोड़ी देर आप रख देंगे तो वो अपने आप ही थोड़ी देर बाद हम जब घिसेंगे तो पूरा जितना ऑयल कलेक्ट होके इकट्ठा हुआ है, जमा है, वो सब निकल जाएगा। तो ये देखिए मैं यहाँ पे
सॉल्यूशन डाल के 5 मिनट का मैंने वेट किया। उसके बाद फिर इसे मैं जिससे नॉर्मल बर्तन साफ करते हैं उससे घिस रही हूँ। बहुत ज़्यादा मेहनत से नहीं घिसना होता है अगर आप इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे तो, क्योंकि मैंने 5 मिनट के लिए रखा था इसलिए थोड़ा ज़्यादा मेहनत करके मुझे घिसना पड़ रहा है। लेकिन मैं भी आप लोगों को रिजल्ट दिखाऊंगी। ये वाला आप लोग ज़रूर ट्राई करें अगर आपके घर में ऐसे कोई तवा या ऑयल कलेक्ट हुआ अगर कोई भी कंटेनर है तो ये ज़रूर काम करता है। इसे अच्छे से जहाँ पे आपका ऑयल कलेक्ट होके रखा है तवे पे वो एरिया पे अच्छे से सॉल्यूशन लगा लीजिए और 10 मिनट रख के और घिस दीजिए। ये देखिए मैं आप लोगों को सामने से दिखा रही हूँ कितने हद तक ये साफ कर चुका है मेरा पे का पैन। अब मैं इसे वॉश करके आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए मैंने बीच में नहीं घिसा है, साइड साइड में घिसा है और साइड में काफी ज्यादा ये काम किया है। तो यही सेम सॉल्यूशन से हम एक और हैक यूज करेंगे जो हमारे काम आएगा। कई बार जो पानी का दाग होता है वो बर्तनों में रह जाता है, स्टील के बर्तनों में। तो मैंने क्या किया है, जो बेकिंग सोडा और विनेगर का घोल बना के रखा था और तावे में यूज़ किया और जो बच गया तो उससे मैंने आप लोगों को ये दूसरा मैं आप लोगों को हैक बता रही हूँ कि स्टील के बर्तन में आप डाल दीजिए, 2 मिनट रख दीजिए, नहीं तो ऐसे ही नॉर्मल घिस के धो लीजिए जैसे नॉर्मल बर्तन धोते हैं। जितने भी पानी का दाग है, जो चाय का दाग रह जाता है, जो ग्लास में चाय पीते हैं, कई हद तक के साफ हो जाएगा और गंदा बर्तन नहीं दिखेगा, बहुत ही क्लीन साफ बर्तन हो जाएगा बिना मेहनत किए। तो ये भी ट्रिक बहुत काम करता है, आप लोग ये वाला भी किचन टिप्स ज़रूर ट्राई करें। तो बढ़ते हैं अपने नए और बहुत ही यूनिक किचन टिप्स पे, और ये डेली डेली हर कोई नहीं करता है। तो मैं बात कर रही हूँ ये बर्नल की। हम गैस में इतना यूज़ कर लेते हैं, इतना गैस का यूज़ कर लेते हैं कि उसका जो बर्नल होता है उसमें जो छेद होते हैं वो भर जाते हैं, कई बार बर्नल एकदम काला हो जाता है, कई बार बर्नल अच्छे से जलता भी नहीं है। तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक तरीका बताती हूँ। एक बर्तन में पानी ले लीजिए, इतना पानी ले लीजिए कि जितना भी आपका बर्नर आपको साफ करना है वो उसमें डूब जाए। अब उसमें मैं डाल दूंगी इनो। हाँ, एक इनो से आपका ये पूरा बर्नर अच्छे से साफ हो जाएगा, एकदम चकाचक दिखने लगेगा, जैसे लगेगा कि नया ही बर्नर है। तो बस उसे डाल के हमें 10 मिनट रख देना है। और अगर आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, आपको घिसना नहीं है, बस डायरेक्ट पानी से निकाल के वॉश करके साफ चाहिए अपना बर्नर, तो आप इसी में गरम पानी डाल दीजिए, एकदम खौलता हुआ पानी आप डाल दीजिए। मैं भी अभी इसमें थोड़ी देर 10 मिनट रखने के बाद इसमें मैं गरम पानी डालूंगी। एकदम खौलता हुआ गरम पानी आप इसमें डाल दीजिए और फिर 5 मिनट का वेट कीजिए। तो अभी मैंने यहाँ पे 2 बर्नर लिया है, ये देखिए पानी कितना गंदा हो रहा है। जैसे ही आप इनो डालेंगे पानी में तो वो कलर छोड़ने लगेगा, जो भी बर्नल का गंदगी है वो जमने लगेगा नीचे पानी में। और ये देखिए बिना घिसे ही ये कई हद तक साफ हो गया है, क्योंकि ये बर्नल जो है वो लोहे का है तो इसलिए ये एकदम वाइट नहीं हो जाएगा, इसका कलर ही यही है। लेकिन जितने भी इसमें छेद हैं वो कई हद तक के साफ हो गए हैं। मैं अभी आप लोगों को जला के भी दिखाऊंगी। मैंने यहाँ पे सिर्फ अभी 2 बर्नल ही लिया है, एक और मैं इसमें साफ करूंगी और इसमें ज़्यादा घिसने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि मैंने इसमें गर्म पानी भी डाला है। तो अभी मैं आप लोगों को अंतर दिखाती हूँ, जो 2 बर्नल मैंने साफ किया है उसमें भी और जो नहीं किया है उसमें भी, आप लोग डिफरेंस ज़रूर समझ सकते हैं देख के। तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा घिस के इसे धो लूँगी। मैं बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगा रही हूँ इस बर्नल को साफ करने में, नॉर्मल मैंने घिस दिया है और बस पानी से इसे धो के अच्छे से ड्राई करके ही इसे जलाना है, गीले में नहीं जलाना है। और जो फिर गैस का फ्लेम है वो एकदम तेज़ हो जाएगा, जैसे पहले नए गैस स्टोव में बर्नल का जो फ्लेम होता है वो जलता है, बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा ऐसे वॉश करने पे। ये आप 2-3 महीने में एक बार कर सकते हैं, अपने जो कुकिंग की कैपेसिटी है, आप कितना उसमें कुक कर रहे हैं गैस स्टोव में, उसके हिसाब से आप देख के ये बर्नल साफ कर सकते हैं। तो मैं अभी आप लोगों को डिफरेंस दिखाती हूँ। ये देखिए जो मैंने साफ किया और जो नहीं किया है उसमें कितना अंतर है। तो अब मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ कि कितने अच्छे से अब ये जल रहा है। मैंने अच्छे से धो के सुखा के जलाया है और ये पूरा फ्लेम हाई हो चुका है। ये देखिए मैं दोबारा जला के दिखा रही हूँ आप लोगों को कितना तेज फ्लेम है इस गैस स्टोव का, खाली ये 5 मिनट के काम से हो जाता है। ये थे मेरे टोटल 11 किचन टिप्स और हैक्स जिससे आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प हुआ होगा। तो ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।
तो मैंने जो स्टार्टिंग में कहा था कि मैं जो दो बोनस किचन टिप्स आप लोगों को बताऊंगी, तो वो मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ। तो जो पहला बोनस किचन टिप्स है वो ये है कि हमारे किचन में बहुत ज़्यादा लहसुन का उपयोग होता है हम सभी के घरों में। तो जिनको भी लहसुन का पेस्ट बना के रखना हो, स्टोर करके रखना हो एक महीने के लिए या 15 दिन के लिए, या फिर जिसको ज़्यादा सब्जी बनानी है और लहसुन का ज़्यादा उपयोग है, तो आप एक काम कर सकते हैं, गर्म पानी कर लीजिए, गैस पे एक बर्तन रख दीजिए, उसमें पानी अच्छे से बॉईल कर लीजिए और बॉईल पानी में ही आप लहसुन छिलका सहित डाल दीजिए और आधे घंटे के लिए ढक के रख दीजिए। और आधे घंटे के बाद अगर आप उसे जब निकालेंगे तो उसका जो छिलका है बहुत ही आसानी से निकलेगा। और ये जो एक घंटे लग जाते हैं, आधे घंटे लग जाते हैं हमें लहसुन छिलने में, तो वो टाइम मिनटों में हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो हमारा ये टाइम बच के हम किसी और में कुकिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरा पहला बोनस किचन टिप्स था। और जो दूसरा है वो ये है कि हमारे घरों में फ्रोज़न मटर होता ही है, तो फ्रोज़न मटर बहुत दिन तक रखने के बाद ना उसमें जो थोड़ा टेस्ट होता है वो चेंज हो जाता है। तो हमें उसे वापस से फ्रेश रखने के लिए मैं आप लोगों को एक तरीका बताती हूँ, जिससे जो मटर है वो ऐसे ही हो जाएगा जैसे फ्रेश मटर होता है। तो आप लोग क्या करें, गर्म पानी में नमक डाल दीजिए। जैसे अगर आपने 2 कप पानी लिया है तो उसमें 1/4 चम्मच नमक डाल दीजिए और 1/4 चम्मच शक्कर डाल दीजिए। उसे अच्छे से बॉईल कर लीजिए, नमक और शक्कर अच्छे से डिसॉल्व हो जाना चाहिए। और जब ये दोनों अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा, गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए और फिर उसी में आपने जो फ्रोजन मटर है वो डाल दीजिए और थोड़ी देर के लिए रहने दीजिए उसमें। और अगर ज़्यादा टेस्ट खराब लगता है तो आप उस पानी में जो हमने सॉल्यूशन बताया है उसी में आप मटर डाल के थोड़ी देर के लिए बॉईल भी कर सकते हैं, तो वो जो प्रोसेस रखने पे जो टाइम लगेगा वो उससे भी कम हमारा बॉइलिंग पे हो जाएगा। तो आप ऐसे करके उसके बाद फिर जब यूज़ करना हो तो मटर निकाल लीजिए, छान लीजिए अच्छे से, ड्राई कर लीजिए और फिर वापस इसे यूज़ करके और जो बचे उसे आप फ्रीज़र में रख सकते हैं। तो ऐसे हमारा जो मटर है, हरा मटर जो होता है वो फ्रेश हो जाएगा। और सेम आप ऐसे ही जो पीला सूखा मटर होता है उसके साथ भी आप कर सकते हैं। जैसे क्या होता है, हम कभी कभी, एक और मैं आप लोगों को टिप्स दे रही हूँ, जब ये दो दिया तो एक और भी दे देती हूँ। तो हम क्या करते हैं, कभी कभी हम भूल जाते हैं, अगर हमें चने की सब्जी, काबली की सब्जी बनानी होती है तो हम रात में बनाना भूल जाते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर सुबह हमें बनाना है तो 3-4 घंटे पहले एकदम खौलते हुए पानी में चना, काबली चना जो भी आपको बनाना है, जो सोख चने होते हैं उसे डाल दीजिए और 2 घंटे के लिए रख दीजिए। आपका जो चना और काबली होगा वो ऐसे ही सॉफ्ट हो जाएगा जैसे कि हम रात भर उसे भिगा के रखे हैं। तो ये था मेरा पूरा वीडियो और ये थे कुछ किचन टिप्स जो आप लोगों को ज़रूर हेल्प करेंगे। तो ये था मेरा पूरा ये वीडियो और किचन टिप्स। आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ आपको सबसे पहले मिल सके। तो और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए ये कौन सा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल किचन टिप्स या हैक कारीगर हुआ है, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मुझे पढ़ के बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी है tastyvyanjan11। तो मिलते हैं दूसरे अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो में जहाँ पे मैं ब्लॉग रेसिपीज और नए नए किचन टिप्स लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। तो तब तक के लिए बाय बाय, आप लोग अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें और ऐसे ही मेरे वीडियोस को पसंद करते रहें, व्यूज देते रहें। मैं आप लोगों के लिए और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके ज़रूर आऊँगी। और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि आप लोगों को क्या वीडियोस चाहिए, मैं वो भी वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। थैंक यू।